गोहाना में जो इनकी गुंडागर्दी है, जो इनकी बदमाशी है, जो इस तरह की ये प्लानिंग करते हैं इलेक्शन से पहले, ये प्लानिंग करते हैं लोगों में बदमाश भेज भेज करके, वो चलने वाली नहीं है। और बिल्कुल भी किसी भी तरह की ना गांव में ना शहर में कोई बदमाशी चलने जाए, एक वोट भी बोगस नहीं डालने देंगे, एक वोट भी बोगस नहीं डालने देंगे। सब्जी मंडी मौजूद है, भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा नई सब्जी मंडी में वोट की अपील करे। डॉक्टर साहब, गोहाना की नई हो किस प्रकार कैसे जनता? देखिए, इलेक्शन का दौर है और वैसे भी मिलते जुलते रहते हैं। आज जो है सब्जी मंडी में आए हैं, बातचीत करेंगे इनसे, कोई हमारे लायक कोई भी समस्या है कोई बातचीत करके उसका चर्चा करेंगे आपस में मिल बैठ करके और वोट की अपील करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी आए थे, जमकर आपकी तारीफ करके गए हैं, अब बड़ा भी नेता को आना गया जनता के पास। देखो, प्रधानमंत्री का ये तो बड़प्पन है, प्रधानमंत्री ने तो सबकी तारीफ की है, प्रधानमंत्री ने पूरे हरियाणा की तारीफ की है कि हरियाणा से उनका लगाव है और हरियाणा पर वो अपना हक समझते हैं। और प्रधानमंत्री ने सभी की तारीफ की है, पूरी जनता की तारीफ की है, सोनीपत की जनता की तारीफ की, गोहाना की। और उनका तो यही मकसद है कि भी किस हर तरीके से गोहाना सोनीपत उन्नति करे, उद्योग के सिस्टम में उन्नति करे, उद्योग आए यहाँ पर और आगे बढ़े। गोहाना में जो मोदी की रैली हुई है, बढ़िया रैली हुई है, किस प्रकार का क्या कैसा असर रहेगा? देखिए, ये जो रैली थी गोहाना में, मैं हकीकत बताता हूँ, इस तरह की रैली, इस तरह की जमी हुई रैली, इस तरह की अनुशासित रैली, रैलियाँ हमेशा अनुशासित होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस तरह की अनुशासित जो लोग पाँच साढ़े पाँच घंटे लोग बैठे रहे, और गर्मी थी आपने देखा, और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री के विचार सुने, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं कहता हूँ कि बहुत कामयाब रैली थी ये, और ये मैं लोगों का, सबका, पूरी जनता का, 36 बरादरी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भी ऐसे मौके पर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री जी के विचार सुने। मोदी जी ने एक बात कही है, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। ये बात तो सब कहते हैं, मोदी जी ने इसको ठोक करके कहा है। मोदी जी ने कहा कि इन पर भरोसा मत करना, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये वही लोग हैं मोटे तौर पर जो 2014 में रिजेक्ट कर दिए थे। 2014 के बाद 2016 का तांडव भी हर एक को याद है, क्यों किया था वो? सत्ता हथियाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए कि भाई सरकार को डरा दो, सरकार पर दबाव बनाओ और किसी तरह से दोबारा से सत्ता हथिया लो। ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं। और अब की बार गोहाना में जो इनकी गुंडागर्दी है, जो इनकी बदमाशी है, जो इस तरह की ये प्लानिंग करते हैं इलेक्शन से पहले, ये प्लानिंग करते हैं लोगों में बदमाश भेज भेज करके, वो चलने वाली नहीं है। और बिल्कुल भी किसी भी तरह की ना गांव में ना शहर में कोई बदमाशी चलने जाए, एक वोट भी बोगस नहीं डालने देंगे, एक वोट भी बोगस नहीं डालने देंगे।